सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस साल मार्च में ही इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी है। मार्च के आखिरी सप्ताह तक गर्मी का प्रकोप दिखाई देने लगेगा। गर्म हवाओं ने तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी ने किया जीना मुहाल। कई इलाकों में गर्मी से बढ़ी तपिश। गर्म हवाओं ने बढ़ाया तापमान। पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब सियासी पारा ठंडा हो गया है, पर देश के मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी सहित कई इलाकों में ठंड के बाद से अचानक से भीषण गर्मी बढ़ गई है। देश के कई इलाकों में गर्मी से तपिश बढ़ती जा रही है। अब कई शहरों में अभी से ही मई जून महीने जैसी गर्मी पड़ने लगी। गर्मी का चढ़ा पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। दिन में चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। इस साल गर्मी मार्च में ही मई जैसी पड़ रही है। तेज तपिश ने तो मानो पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह तक गर्मी का प्रकोप और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लोग हफ्ते भर पहले से भीषण गर्मी और चढ़ते पारे से परेशान हैं। अभी तक दिल्ली में 6 दिन पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। आगे और तेज भी गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है कि मार्च के महीने में बारिश नहीं होने से गर्मी इतनी बढ़ गई है। यूपी में गर्मी ने बढ़ाई आफत। लोगों को नहीं है राहत। वहीं यूपी में भी मार्च की तरह पड़ रही गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं और प्रदेश के लोगों में गर्मी काफी ज्यादा तड़पा रही है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से अभी राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। साथ ही अधिकतम तापमान मार्च महीने के अंत तक 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। राजधानी लखनऊ समेत अधिकांश हिस्सों में एक बार मौसम का पारा तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं अगर भी बात की जाए तो मई और जून में पड़ने वाली गर्मी इस बार हमें मार्च में देखने को मिल रही है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस अभी राजधानी लखनऊ का टेम्परेचर है और इस बढ़ती तेज गर्मी से कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं या जो सड़कों पे दुकान लगाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो जानवर हैं, चाहे छुट्टा जानवर की बात की जाए, चाहे आवारा कुत्तों की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। और वहीं अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से अभी तक धूप से बचने के लिए कहीं टीन सेड नहीं लगाए गए हैं और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था के लिए कहीं प्याऊ नहीं लगाए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी मौसम में किसी प्रकार बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। मौसम के तेवर इसी प्रकार बरकरार रहेंगे। गर्मी के और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। बढ़ते पारे और गर्म हवाओं ने अभी से ही लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है गर्मी का सितम, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।